एक कॉमिक में छह कहानी है, इस स्टोरी को यहाँ पे रोल प्ले करना है और उसे समझना है कि हो क्या रहा है। सबको समझना है, चाहे शिक्षक हो, गार्जियन हो या आप बच्चे हो, और इस चीज को हमें अपने आगे पहुंचाना है, है ना। तो ये स्टोरी के माध्यम से हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इसमें नाम है एक बदलीपुर गांव है, कौन सा गांव है? बदलीपुर। हमारा गांव कौन सा है? सदर। यहाँ पे आधा पुल का मतलब क्या हुआ? आधा पुल का मतलब एक टीम का नाम है, एक टीम का नाम रखा गया आधा पुल। इसका मतलब क्या हो सकता है? आधा पुल, आधा पुल का मतलब हुआ ये बच्चों का टीम है ना। तो वो अभी आधी उम्र के हैं या बच्चे हैं, लेकिन उनकी कारनामे जो हैं वो बड़े हैं, है ना। वो विचारों से भरे हुए हैं, यानी कि उनका ये जो स्टेटमेंट है इनका कि हम छोटी छोटी कदमों से चल करके नई मंजिल, अपनी मंजिल को पाएं। यानी कि वो आधे हैं लेकिन उनकी सोच जो है छोटे हैं, लेकिन वो काम करते हैं, है ना, वो अच्छे वाले काम करते हैं। तो ये बच्चे हैं जो रोल प्ले करेंगे, छह कहानी में अलग अलग बच्चे हैं, तो उस हिसाब से बच्चे आएंगे। तो अभी हम लोग आएगा यहाँ पे, सबसे पहले किट्टी आएगी। किट्टी आओ। किट्टी, मेरा नाम किट्टी है। मेरा नाम किट्टी है। मैं 16 साल की हूँ। मैं 16 साल की हूँ और 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। और 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा गुण है, मेरा गुण है जोश भी है, जोश भी है और होश भी है सर, और होश भी है, जोश भी है, जोश भी है और होश भी है। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ताली बजा दो। दूसरा है अदरक। मेरा नाम अदरक है। और मैं 15 साल का हूँ। और सातवीं के बाद मैं स्कूल छोड़ दिया। मैं एक नंबर का जुगाड़ू हूँ। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। मेरा नाम तारा है। मैं 12 साल की हूँ। और सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जानकारी की चलती फिरती किताब हूँ मैं। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। इसके लिए ताले लगा दो। बदलीपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। क्या करने का? जासूसी करने का। जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस सुलझाने के लिए। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल। क्या नाम है? आधा फूल। क्या नाम है? आधा फूल। आधा फूल। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया, है ना, और ये सीमा है ना, इसका नाम क्या है? सीमा। और ये खजाने का नक्शा, आज हमारा जो टॉपिक है, जो स्टोरी है, वो है क्या? और खजाने का नक्शा। आधा पुल और खजाने का नक्शा, वो दोनों मिला हुआ है। आधा पुल टीम और खजाने का नक्शा। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया, बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है। सीमा, ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है। ये तो किसी नक्शे की जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। पर समझ नहीं आ रहा। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। किट्टी से पूछती हूँ। किट्टी, ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। तारा, शायद मुझे पता है। तबलक तबलक तबलक, है ना, आवाज घोड़े की से तारा को याद आता है। तारा, मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी। बदलीपुर का इतिहास। बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था। उसमें लिखा था कि कई साल पहले। कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा। जैसे कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा। फिर सारा धन। फिर सारा धन लूट कर कहीं छुपा दिया था। लूट कर कहीं छिपा दिया था। कहीं भूल ना जाए। कहीं भूल ना जाए। इसीलिए उसका एक नक्शा बनाया। इसीलिए उसका एक नक्शा बनाया। हो सकता है यह नक्शा वही है। हो सकता है वही नक्शा है। हाँ। तारा और किट्टी हाथ मिलाते हैं। तारा, अब आएगा मजा। हम सबको मिलकर खजाना ढूंढेंगे। याहू। याहू। सीमा सोच में पड़ जाती है।
पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सीमा, क्या तुम्हें जोश भरे काम अच्छे नहीं लगते? सीमा, ऐसी बात नहीं है द्रक। ऐसी बात नहीं है द्रक। मम्मी मना करती है। मम्मी मना करती है। घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से। मम्मी कहती है लड़कियों को घर में रहना चाहिए। सिलाई खाना बनाने जैसे काम करने चाहिए। सिलाई और खाना बनाने का काम करना चाहिए। सीमा, कितनी बार तुम्हें कहा लड़कों की तरह बाहर खेलने मत जाया करो। बाहर मत जाया करो। लड़कियां घर में रहकर सिलाई सीख रही है। लड़कियां घर में रह करके सिलाई बुनाई पढ़ाई कटाई ये सब जो की करना चाहिए। खाना बनाना बाहर नहीं जाना चाहिए। खाना बनाना सीखो आगे तुम्हारे। मैं तो अपने बड़े खुद लगाता हूँ। पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। मैं तो लड़की होकर भी बाहर खेलती हूँ। तारा, सीमा, यह सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है ना। हम लोग एक लिंग स्त्री लिंग पुरुष लिंग है ना, जो जैविक है, जन्म से व्यक्ति या तो महिला होगी या पुरुष होगी है ना। लेकिन समाज हमें जेंडर के अंतर्गत रखता है कि ये लड़की है तो लड़की जाने वाला काम है खाना बनाना ये करेगा है ना, और लड़का है तो लड़का वाला बाहर का काम है खेलना कूदना कमाना वो काम करेगा। तो ये हमारे समाज ने इसको क्या किया, बांट दिया कामों से, जेंडर बना दिया। अब ये चाहती तो ये भी खेल सकती है, ये भी काम कर सकती है, तो समाज हमारे जेंडर बना दिया है। तो ये जो उनकी सोच है, पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है कि लड़का है तो ये करेगा, लड़की है तो ये करेगी, और ये लड़कियां नहीं करेगी, लड़के ये नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ खाना बनाने का काम लड़कियों का है, लड़कों का काम खेलना है, पैसे कमाना है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। आज लड़कियां भी हमारे सामने बैठी हैं, पैसे कमा रही हैं है ना, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल है ना, और सर भी हैं जो घर में खाना बना रहे हैं। अब जो यहाँ नहीं है अब तो आपके पास ही है, नहीं जो अब घर में होंगे सर तो खाना बना रहे होंगे, मैडम यहाँ करके पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, ये जेंडर स्टीरियोटाइप बताता है। कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा कपड़े पहनना चाहिए, कैसे उठने बैठने का सलीका होना चाहिए, आपसे क्या अपेक्षाएं रखी जाएगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे। हाँ, इधर से कर्तव्य होंगे आप किस तरह के अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का है या लड़की। ये नियम लड़के लड़कियों के शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं बल्कि वर्षों से चले आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए गए हैं। कि हमारे पहले से ये सोच बना हुआ है ना कि लड़का है तो अब स्टीरियोटाइप का मतलब है समाज का मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे सब लड़कियां घर में देखभाल करेंगी और सब लड़के पैसे कमाएंगे, हमारा समाज एक ट्रैक बना है। सभी धर्म में अलग अलग ट्रैक हैं, सभी जाति में अलग अलग ट्रैक हैं, सभी राज्यों में अलग अलग ट्रैक हैं। उस ट्रैक पे लोग चलना होता है कि लड़कियां जींस नहीं पहन सकती, लड़कियां लड़के साड़ी नहीं पहन सकते, धोती साड़ी का ही रूप है, 5 मीटर का वो भी साड़ी पहनते थे, धोती पहनते थे है ना। तो चलिए आज जेंडर स्टीरियोटाइप को हम लोग तोड़ते हैं है ना। आज हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप को लड़कियां भी कर सकती है, तुम लड़कों की तरह दोनों पांव से चल सकती हो, चल सकती हूँ। तारा, तो जब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो, दौड़ सकती हो। फिर भी लड़कियों को मना करते हैं बाहर दौड़ने से, फिर भी लड़कियों को मना करते हैं, सीमा सोच में पड़ जाती है। ये सभी जेंडर स्टीरियोटाइप है। आप अदरक को देखो, वही हाथ पांव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टोकी। आप अदरक को देखो, वही दिल, वही दिमाग, वही हाथ पांव, टोका। सीमा, बात तो सही है कि मम्मी क्यों मना करती है, बात तो सही है कि मम्मी क्यों मना करती है। कहाँ ना जेंडर स्टीरियोटाइप, कहाँ ना जेंडर स्टीरियोटाइप। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया होगा, कि लड़की हो तो बस घर का काम करो, लड़की हो तो बस घर का काम, बाहर मत जाओ मत खेलो। अब वही बात वो तुमसे कह रही है, आप वही बात वो तुमसे कह रही है। किट्टी, मैं समझ गई। ये नक्शा तो जंगल के खंडहर हो जाता है। चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो जाओ जंगल, थोड़ी दूर चलने के बाद
सामने एक गहरी खाई आती है। अब हम ये खाई को दाल के पार कैसे करेंगे? हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है अदरक। हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास एक तरकीब है। हम लोग किट्टी बताओ कैसे पार करेंगे? इसके जड़ों से लटक कर। इसके जड़ों से लटक कर। चलो क्या? चलो सब पार करो। चलते चलते तीनों खंडर के पास पहुंचते हैं। एक रन अपना खंडर इतना डरावना था कि अदरक का पसीना छूटने लगा। वो तो पीछे छुपा हुआ है। बोला रे इसमें तो भूत होगा। अरे इसमें तो भूत होगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा खंडर के अंदर। अरे मैं नहीं जाऊंगा खंडर के अंदर। तारा नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडर में है। नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडर में है। अरे मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे डर लग रहा है। सीमा तुम सब यहीं रुको। सीमा तुम सब यहीं रुको। मैं अकेली जाकर ले आऊंगी। मैं अकेली जाकर ले आऊंगी। डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। अंदर पत्ता भी हो सकता है सीमा। अंदर पत्ता भी हो सकता है सीमा। हटाना पड़ सकता है। हटाना पड़ सकता है। तुम कर पाओगी? कर पाओगी सीमा। तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप सोचने लगे। तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप सोचने लगे। सोच रहे हो कि मैं लड़की हूँ ये नहीं कर पाऊंगी। सोच रहे हो मैं लड़की हूँ ये नहीं कर पाएंगे। दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना हो मैं कर लूंगी। दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना हो मैं कर लूंगी। चलो तुम लोग यही रुको। मैं जाती हूँ अंदर। दिमाग लगाती है और पत्थर को हटाकर नीचे छुपा खजाना ढूंढ लेती है। मिल गया खजाना। मिल गया खजाना। अगले दिन सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है। टीवी पर समाचार में भी आती है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण बदलीपुर के बच्चों ने नया कारनामा कर दिखाया। और उन्होंने एक बड़ी खजाना खोज लिया। उसमें एक बहादुर लड़की सीमा थी जो अकेले ही अंदर जाकर खजाना ढूंढ ली। उसकी सभी जगह बहुत ही सराहना हो रही है। धन्यवाद। मैं सीमा हूँ और मैं आज खजाने की खोज में आधा फुल टीम के साथ खंडर के पास गई थी और मैं खजाने ढूंढ लाई। लड़कियाँ वो सब कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं सीमा ने यह कर दिखाया। किट्टी पापा LLDB मतलब लड़का लड़की दोनों बराबर। आपके दिमाग में भी बराबर हो जाए। बोलो सब LLDB क्या बताएंगे? कोई बताएंगे कहानी से क्या सीख मिली? लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की दोनों बराबर है। ना किसी में कमी है ना किसी में ज्यादा है। दोनों हर काम को कर सकती है या कर सकता है दोनों। हमारे जब जिला में स्तरीय खेल प्रतियोगिता था तो हमारे 55 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 44 लड़कियां थी। और लड़कियों ने कबड्डी में स्टेट लेवल पे भी और दौड़ में स्टेट लेवल पे भी गई और उन्होंने यहाँ भी मेडल जीता डिस्ट्रिक्ट में भी। तो वो किसी से कम नहीं थी और उन्होंने कर दिखाया। लड़कियां गिर गई उसके बाद भी दौड़ लगाई और उसके बाद मेडल जीती। समाज निश्चित करता है लड़के लड़कियां क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो हम इसे क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप। क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप कहते हैं ना। अगर मान लिया ये हमें समझ में आ जाता है। हमारे मम्मी पापा समझे या ना समझे हम तो समझेंगे ना। हम अपने जब बड़े होंगे हमारे बच्चे होंगे तो हम ये सब चीजों से बहुत आगे रहेंगे।
रहेंगे कि नहीं रहेंगे? yes, ये कहानी आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर हम पढ़ा करके करते भूल जाते हैं, लेकिन अब ये नहीं भूल पाएंगे आप लोग। ये ऐसे जहन में घुसेगा धीरे धीरे, हमारे 66 केस स्टडी, और ये ऐसे आपके दिमाग जब जिंदगी के जिस कोने पे आप उसको याद करेंगे, आपके मोबाइल में होगा, उसमें क्लिक कीजिएगा और देख सकते हैं कि देखो हम लोग इस क्लास में पढ़े थे, अपने बच्चों को दिखा सकते थे कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो ये कहानी, मेरा डांस हर प्रोग्राम जब चाहो तब चलता फिरता तुम्हारा शीर्ष लाइव रहेगा, है ना, जब तक तुम हो उससे ज्यादा समय तक रहेगा, ठीक है। ये लड़के लड़कियां दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे इसकी जगह से जिन लड़कों को खाना बनाने का शौक होता है, वो यह सोच कर काम नहीं करते कि खाना तो बस लड़कियों को बनाना है, और लड़के अगर बनाने लगेंगे तो दो चार लोग आकर कहेंगे कि तो मौका हो गया, है ना, लड़के वाला काम करता है। इतना नहीं है, जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, वो सोच कर ये खेल नहीं सकते किसी सिर्फ लड़कों का खेल है, लेकिन हम लोग स्कूल में क्रिकेट भी खेले, क्रिकेट है ना, तो हम लोग आगे भी क्रिकेट खेलेंगे। यह जरूरी है कि लड़के लड़के दोनों को आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जाए। और ये सारा चीज हमने क्या किया है, इंडिया ने क्या किया, ये यूनिसेफ द्वारा तैयार किया गया है। सोचिए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, अब बताना है आप लोग को, कौन कर सकता है, लड़का कर सकता है, लड़की कर सकता है, सब लोग बोलिएगा। किसी क्रिकेट खेल, किसे क्रिकेट खेलने देते हैं, लड़का को कि लड़की को? देते हैं खेलने, yes, देते हैं। कौन सुबह देर से उठता है, लड़का या लड़की? लड़का जल्दी उठ जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लड़का सब जगह जल्दी उठ जाता है, लड़का भी जल्दी उठते हैं, लड़की भी जल्दी उठते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन खाना पकाने में मदद करता है? खाना पकाने में मदद कौन करता है? लड़कियां करती हैं। हम बराबर तभी मानेंगे जब 50% पहुंचता है। अगर 100 लोग 10 लोग का मदद करें तो नहीं माना जाएगा, 50% पहुंचेगा तब क्रिकेट खेलना 50% नहीं पहुंचना, तो वो लड़का होगा। लेकिन सुबह उठने की बात है तो क्रिकेट कौन खेलने, किसको खेलने देते हैं? लड़कियों को हम अभी उतना नहीं देते हैं, शुरू किए हैं तो अभी चलेगा उनका। कौन बाजार से सामान लाता है? लड़का। कौन सा खेल काटने में मदद करता है? लड़की। कौन कपड़े या बर्तन धोता है? लड़की। घर में किसकी पसंद का खाना ज्यादा बनाया जाता है? लड़का। कौन फर्श साफ करता है? लड़की। इसे शाम ढलने के बाद बाहर जाने देते हैं? लड़के को। यस सर। कौन पानी भरता है? लड़की। एक डॉक्टर महिला होती है, पुरुष? यस सर। एक दुकानदार? दोनों। एक नर्स? इसमें ये था कि अगर आपको चित्र बनाने दिया जाए, है ना, तो नर्स का, नर्स ने आप इसका चित्र बनाएंगे, लड़के का या लड़की का? एक दुकानदार दिखाना है आपको, किसको बनाएंगे? एक टीचर दिखाना है तो आप किसको दिखाएंगे? डॉक्टर दिखाना किसको दिखाएंगे? आने की दुकानदार और नर्स अभी 50 नहीं पहुंचा, आपने चित्र नहीं बनाया, चित्र से आप दिखाएंगे, क्योंकि चित्र में आपको दिखाने मतलब है कि आपको किले की चुनना है या फिर दोनों को चुनिएगा, है ना। आप अपने चित्र को देखिए, आपने किस पैसे के लिए लड़के का चित्र बनाया और किसके लिए लड़की का, और किस पैसे के लिए आपने दोनों का चित्र बनाया है, और इससे तय होता है कि हमारे समाज में हम जो छोटी छोटे चीज जी रहे हैं, है ना, आपका मार्क्स, आपकी सफलता, आपकी नौकरी, आपको मुबारक। गवर्नमेंट हमारी या पूरा विश्व उसके पीछे नहीं जाता कि आप नौकरी करें, पैसा कमाएं, अच्छे वादे पर जाए, उसके लिए नहीं मरता। वो चाहता है कि हर बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, उसमें अच्छी क्वालिटी आए, और ये सोचे समझे दक्षिण उसी विचार वाले नहीं रहे, पढ़ लिखे और उसी में पढ़े हुए हैं, है ना, स्टूडियो टाइप में पढ़े हुए हैं, तो वो चीज हमारे, हम 50-50 है, महिला और पुरुष, पूरे वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या, हमारे यहाँ जनसंख्या आधी जनसंख्या महिला की आधी पुरुष की है, थोड़ा बहुत 1% का अंतर है, लेकिन 50% है। जब महिलाएं 50% हैं तो उनको हर जगह 50% का समान अवसर मिलना चाहिए ना, yes, तभी ना, अगर दो गाड़ी का अगर दोनों पहिया समान ही रहेगा तो चलेगा,
तो आधा फूल में खजाने का नक्शा के साथ खजाना खोजने में सबसे बड़ा योगदान कौन निभाई? सीमा, जिसको पहले रोका जा रहा था, ये लोग करने लगा रहे है ना। और सीमा घर में काम करती थी, इसलिए काम करने की वजह से इसके पास स्टेमिना नहीं था, है ना। और हमारी बच्चियां जो कबड्डी खेलने गई वो इसीलिए गई क्योंकि वो घर में काम करती थी, उसको जब फोन करते थे कि प्रैक्टिस के लिए नहीं आएगी, ना सर आलू तोड़ रहे हैं हम, की वही तो प्रैक्टिस हो रहा है, करते रहो, वही तो चाहिए, है ना, हम उसी बच्चों को तो लिए, तो वो सब बच्चे गए। तो हम किसी बच्चे को कमतर नहीं माप सकते, ये अपने आप में सभी अजूबे हैं। किसी को गाना आता है, किसी को नाचना आता है, किसी को खेलना आता है, किसी को पढ़ना आता है, किसी को खाना बनाना आता है, किसी को मैनेजमेंट आता है, हर कोई एक से एक है, लाजवाब है, इसलिए किसी को कम नहीं माप सकते। बजो लगा के thank you.